नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्लोबल शेयर चैनल में। आज मैं आपके सामने बात करने वाला हूँ 251 रुपये वाले जियो के प्लान के बारे में। दोस्तों, 251 रुपये का जो जियो का प्लान है, इसमें आपको अगर आपके पास कोई प्लान पहले से अवेलेबल है तो भी आप इसे रिचार्ज करा सकते हैं। अगर आपको और भी ज़्यादा हैवी इंटरनेट यूजेज है, आपका काम ज़्यादा बड़ा है और आपको इंटरनेट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो आप इसे रिचार्ज करा सकते हैं। वो मैं बताऊँगा कि आप इसे कैसे रिचार्ज करा सकते हैं। देखिए, यहाँ पर ये जियो के मैंने पॉपुलर प्लान्स ओपन कर रखे हैं। यहाँ पर 1.5 GB वाला पैक है, जिसमें आपको 2121 में 504 GB, 555, 399, 199 वाला, ये 1.5 GB प्रतिदिन के पैक हैं। आप इन्हें रिचार्ज करा सकते हैं, या फिर 2 GB वाला रिचार्ज आप चाहते हैं तो 2 GB वाला प्लान आप रिचार्ज करा सकते हैं। और अगर आपको इनमें से कोई प्लान है जो आपका इंटरनेट खत्म हो जाता है, तो फिर आप उसमें से यूजेस ले सकते हैं। अब मैं बताऊंगा कि 4G डाटा वाउचर को आप कैसे रिचार्ज करा सकते हैं। अगर आप किसी दूसरे सिम से, यानी किसी अन्य कंपनी के सिम से कॉलिंग करते हैं, जो कि लंबी वैलिडिटी के प्लान होते हैं जिसमें इंटरनेट नहीं मिलता है, तो आप इस प्लान को ले सकते हैं। इसमें आपको 251 रुपये में 51 दिन तक 102 GB डाटा मिलता है। और आप इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। अगर आप इंटरनेट यूज़ करते हैं और कॉलिंग यूज़ नहीं करते हैं, कॉलिंग किसी अन्य नंबर से करते हैं, तो आप इसे रिचार्ज करा सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको 251 रुपये में 51 दिन के लिए 102 GB डाटा मिलता है, जिसमें कि 2 GB प्रतिदिन के हिसाब से आपको 51 दिन तक मिलता है। और अगर आप 251 रुपये या 249 रुपये का किसी अन्य कंपनी का रिचार्ज कराएंगे, तो उसमें आपको 28 दिन के लिए 1 या 1.5 GB डाटा मिलेगा और कॉलिंग मिलेंगी। तो इससे अच्छा आप यही है कि 300 या 379 रुपये का जियो का रिचार्ज कराइए, जिसमें 84 दिन तक आपको 6 GB डाटा और कॉल मिलेगी अनलिमिटेड, जियो टू जियो और अदर नंबर्स पर भी 2 या 3 हज़ार मिनट का आपको उसमें जियो टू नॉन जियो मिनट्स मिल जाते हैं। इसके साथ ही आप 251 का ये प्लान कर सकते हैं, जिसमें आपको हैवी इंटरनेट यूजेस मिल सकता है। तो 251 रुपये का ये प्लान है, जिसमें आपको 51 दिन के लिए 102 GB डाटा मिलता है, 2 GB प्रतिदिन के हिसाब से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएँ। थैंक यू दोस्तों।